कक्षा सातवीं विषय हिंदी। कविता दो, बेटी युग। कवि हैं इसके आनंद विश्वास। तो चलिए बच्चों, पहले हम कवि आनंद विश्वास जी का परिचय पढ़ते हैं। आनंद विश्वास जी का जन्म जुलाई 1949 को शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लू के, चिड़िया फुर आदि। आनंद जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोही स्वर रखने वाले कवि हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने बेटियों की शिक्षा, महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता, प्रगति को प्रतिपादित किया है। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख लें नई कहानी। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। तो बच्चों, पहले मैं आपको कुछ कठिन शब्दों का अर्थ बताती हूँ। फौलादी, फौलादी का मतलब होता है बच्चों नेक, मजबूत इरादे। गढ़ेंगे, गढ़ेंगे मतलब इतिहास रचेंगे, इतिहास बनाएंगे। तरुण, तरुण मतलब नया, नई जवानी। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको इस पद का अर्थ समझाती हूँ। प्रस्तुत कविता में कवि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, लेकिन हमें आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती हैं। आओ हम सब नई कहानियाँ लिखें जो बेटियों के नए युग से संबंधित हो। इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ेंगे, पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ स्वयं अपना इतिहास लिखेंगे। कवि कहते हैं कि जब लड़के लड़कियां पढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। आज हमारे युवक तथा युवतियां प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ेंगे। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो, तुम सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। बच्चों, मनन करना मतलब चिंतन करना, सुहानी का मतलब होता है सुंदर, समीक्षा करना कि उसके बारे में हम समीक्षा करें, सोचें, समझें। तो चलिए अब मैं आपको इस पद का अर्थ बताती हूँ। कवि कहते हैं कि अगर हम सिर्फ लड़कों को ही शिक्षित करेंगे तो वह आधी शिक्षा कहलाएगी। पूरी शिक्षा तभी कही जाएगी जब दोनों लड़के तथा लड़कियां शिक्षित होंगे। यह कवि का विचार है कि इस पर हम सबको सोचना चाहिए तथा विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है
और मन में यह तय किया है कि अब हमें सारे संसार को शिक्षित करना है। बच्चों, इस कविता का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।